प्रोफेसर चंदू माजरा वालों बिजली बोर्ड नूं दिता गया 48 घंटिया का अल्टीमेटम, जेकर बिजली की सप्लाई ना चालू की गई तो बिजली बोर्ड दफ्तर के बाहर किया जाएगा घिराओ। अज बहुजन समाज पार्टी के आगुआ के लिए रखे सन्मान समारोह संबंधी मीटिंग दौरान अज कनौर के मौजूदा कांग्रेसी कौंसलर ते कई सरपंच हुए अकाली दल विच शामिल। पटियाला तो केशव कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। बहुजन समाज पार्टी जी आगू टीम इस जिले की इस हल्के की अगली कतार की लीडरशिप के सम्मान लिए रखी थी, पर यह मीटिंग नहीं बल्कि रैली का रूप धारण कर गई। अज तक के घनौर विखे हुए इकट्ठा तो सब तो वह मतलब झोने की लवाई शुरू है, कितने पोल टुटे ने, कितने ट्रांसफार्मर उखड़े ने, कितने बिजली दियाँ तारा टुटिया ने, कितने बिजली की घाट आ, लोग सताए पे ने, तंग आए पे ने, झक्कर दे एक हफ्ते के बाद भी कोई प्रबंध नहीं होया। उसके बावजूद लोग अच्छ बड़ी गिनती हुम हमा के इस मीटिंग में आए ने, और जिते बहुजन समाज पार्टी के आगू का सम्मान किया उत्थे एक शुरुआत की आ, उत्थे एक बौनी हुई है इस हल्के दे विच एक नाम पर कांग्रेस का जिहड़ा कौंसलर सी परमजीत सिंह मट्टू, जिहड़ा कांग्रेस का सताया, कांग्रेस के माड़े प्रबंध का सताया, कांग्रेस दीआं जातियां का सताया, और महसूस करता कि पंजाब दे विच सत्ता परिवर्तन की जरूरत आ, और बहुजन समाज पार्टी ते अकाली दल दे गठबंधन ने जिहड़ी समाजिक चेतनता पैदा की आ, समाजिक सांझां पक्कियां कीतियां ने, उहनूं देख के परमजीत सिंह मट्टू ने ऐलान करता कि अज श्रोमणी अकाली दल विच दे काफले विच हो के तुरना, और नाल फैसला भी करता कि उन्हां दी जिहड़ी संस्था है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी दे संस्था इन्हां ने इलाके च बनाई आ, सतनाम सिंह जो जड मघोली तो बड़े हिम्मती नौजवान ने, और उस संस्था नूं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के नाँ ते बनिया संस्थावां नूं जिहड़ियां इस इलाके विच चला रहे ने, इन्हां ने फैसला किया कि असीं आने वाले समय के भी झोने का सीजन जदों झोना लग लेगा असीं एक वड्डा इकट्ठ करके कीर्ती कामे मजदूर मेहनत कर लोगों को जो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की सोच से चलने वाले लोग ने उन्होंने थोड़े काम काफले भी शामिल करांगे। अज इन्होंने आप ही बहुत वड्डा हुलारा दिता ते अगे लई भी बहुत वड्डा विश्वास दवाया। मैं इस गल की खुशी आ कि इस इकट्ठ विच नौजवान भी आए ने, इस इकट्ठ विच पुराने टकसाली वर्कर अकाली वर्कर जिहड़े लंबे समय तो कितने नज़र नहीं सी आए आए ने, उन्होंने असीं जी आए भी कहा, और अज इस इकट्ठ विच मैं ऐलान भी किया कि जिहड़े लोग तंग आए ने, सताए पए ने, बिजली महकमे की मार झल रहे ने, एक हफ्ते तो बिजली आ दी 8 घंटे हुई आ, पर तारा की घाट, ट्रांसफार्मर की घाट, पोलों की घाट, और महकमे के बिच वर्कफोर्स की घाट कारण किसान अपने ट्रैक्टर से अपनी मशीनरी राही फोन ला रहे हैं। ये सारे तो जे 48 घंटे के अंदर अंदर ये लाइना चल के बिजली दिया मोटर खेतों को पानी दे ना लगियां तो असी पावर कॉम का घराओ करांगे सोमवार को, पावर कॉम के दफ्तर जावांगे सोमवार को। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिता भी दे अंदर अंदर सारिया लाइना चला के बिजली का प्रबंध सही कराया जाए। महकमे के अफसर अधिकारियों अज भी मैं मिल के आया तो हूँ भी मिलागा, तो असं यकीनी करा 48 घंटे चलना चल पैन ना चलिया फिर मजबूरी बस सूँ धरना लाना पेगा शाम को पार्टी प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल का फैसला कर उन्होंने संबंध में यह मीटिंग कह सकते हैं। अजे तो असं अपनी पार्टी को लामबंद कर रहे हैं, अजे तो असं जिहड़ियां साडी पार्टी नाल होर सहयोगी लोग तुरन रहे हैं उन्होंने काफले विच तोर रहे हैं। अजे 2022 दी चोणां भावें दूर ने, पर 2022 दी चोणां दे विच एक सत्ता परिवर्तन की जिहड़ी मंग उठ रही है पंजाब की धरती, क्योंकि जिहड़ा केजरीवाल साहब की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी का तो पाज खुल गए, उहदा तां पर्दा फाश हो गया जदों तिहाड़ जेल दे विच साडे भरावां नूं तंग करके जलील करके उन्होंने तो बाथरूम साफ कराए गए, उन्होंने पग्गां लाइया गई, उन्होंने दुर्व्यवहार किया गया, जिहड़े लाल किले से फड़े सी साडे किसान भरा उन्होंने जलील किया गया, जिहड़ी पंजाब की विधानसभा ने कमेटी बनाई है, मेरा बेटा एम एल ए आ
वह सारे पंजाब का रौनक ला रहे हैं, रोना आता उन्हों कहानियां सुन के, तो केजरीवाल की पार्टी तक मूँह नहीं लाएगा, लड़ता पाएगा, फटकारा पाएगा। तो नाल जो 2500 रुपए क्वार्टर कणक वेचण दी गल करते दिल्ली नरेला मंडी सब ने देख लिया भी 1700 रुपए मिली है बाजार, तो फिर भी 1800 मिली जाता। यह जनी सारिया गलां जिमें सेहत महकमा फेल होया दिल्ली के हिंदुस्तान का कोई सूबा नहीं फेल होया, सरेंडर नहीं किया, केवल केजरीवाल साहब ने किया। तो यह जड़िया लुतरिया ला के छोछेबाजी करके ड्रामेबाजी करके लोगों को भड़काते भड़का जोगे नहीं रहे, वो भी लगे हुए ने छावां दे विच। अपने ट्रैक्टर से अपनी मशीनरी राही फोल ला रहे ने, ये सारे तो जे 48 घंटे के अंदर अंदर ये लाइना चल के बिजली दियां मोटर खेतों नूं पानी देण ना लगियां तो असी पावरकॉम का भराओ करांगे सोमवार को, पावरकॉम के दफ्तर जावांगे सोमवार को। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिता भी दे अंदर अंदर सारिया लाइना चला के बिजली का प्रबंध सही कराया जाए। महकमे के अफसर अधिकारियों अज भी मैं मिलकर आया तो हूँ भी मिलागा, तो असी यकीनी करांगे 48 घंटे च लाइना चल पैन, ना चलिया फिर मजबूरी बस सू धरना लाना पेगा। शाम को पार्टी प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल ने फैसला कर दिया अजे तो असं अपनी पार्टी लामबंद कर रहे हैं, अजे तो असं जिहड़ियां साडी पार्टी नाल होर सहयोगी लोग तुरन रहे ने उन्हां नूं काफले विच तोड़ रहे हैं। अजे 2022 दीआं चोणां भावें दूर ने पर 2022 दीआं चोणां दे विच इक सत्ता परिवर्तन की जिहड़ी मंग उठ रही है पंजाब की धरती च, क्योंकि जिहड़ा केजरीवाल साहब की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी का तो पाज खुल गए, उहदा तां पर्दा फाश हो गया। जदों तिहाड़ जेल के साडे भरावां नूं तंग करके जलील करके उन्हां तों बाथरूम साफ कराए गए, उन्हां दीआं पग्गां लाईआं गईआं, उन्हां नूं दुरव्यवहार किया गया, जिहड़े लाल किले ते फड़े सी साडे किसान भरा उन्हां नूं जलील किया गया। जिहड़ी पंजाब दी विधानसभा ने कमेटी बनाई है, मेरा बेटा MLA आ, उह सारे पंजाब दा रौनक ला रहे ने, तो रोना आता उन्हां दीआं कहानियां सुन के, ते केजरीवाल की पार्टी तक मूँह नहीं लाएगा, लड़ता पाएगा, फटकारा पाएगा। तो नाल जिहड़े 2500 रुपए क्वार्टर कणक वेचण दीआं गल्लां करदे सी दिल्ली च नरेला मंडी सब ने देख लिया भी 1700 रुपए मिली है बाजार, तो फिर भी 1800 मिली जाता। यह जनी सारिया गल्लां जिवें सेहत महकमा फेल होया दिल्ली के हिंदुस्तान का कोई सूबा नहीं फेल होया, सरेंडर नहीं किया, केवल केजरीवाल साहब ने किया। तो यह जिहड़ियां लुतरियां ला के छोछेबाजी करके ड्रामेबाजी करके लोगों को भड़काते भड़का जोगे नहीं रहे, वो भी लगे हुए ने छावां दे विच। देखो गल जिथे तक विधानसभा चोणा लड़न का सवाल है मेरा, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता कि दूजी सीट से लड़िए, सनौर नाल ही तसल्ली है, पर पार्टी महसूस करती है कि अज पार्टी की अगली कतार की लीडरशिप चोन से उतारी जाए। लोग महसूस करते हैं कि चोन से जे संजीदगी लियानी है, जित यकीनी बनानी है, तो 1977 वाग अगली कतार की मुढ़ली लीडरशिप जी आप चोन के उतरे। जो कुदरती तौर पर जो इस तरह के हालात आने, मेरा तो ना नंबर एक तो आता ही आता, क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हराने पार्टी ने सोचा तो भी मैंने चुनिया, जे सा लाल सिंह जे लगातार जीती जा रहे थे हारते नहीं किसी तो, जे उन्हों हराने की गल आई तो भी मैंने चुनिया, जे अंबिका सोनी जेडे ने श्रीमती सोनिया गांधी की सहेली सब तो नेड़े की केंद्रीय सबका वजीर, जे उन्हों हराने की गल चली तो भी मैंने आनंदपुर साहब तो पार्टी ने उत्थे जाके भेजा तो हराया उन्हों। तो ज्ञानी जैल सिंह के जेडे PA होंगे श्री संत राम सिंगला, जे उन्होंने हराने लिए कोई पार्टी का उम्मीदवार बनने तैयार नहीं सी, तो पार्टी ने उस समय मैं बहुत छोटी उम्र का सी तो मैंने लड़ाया तो मैं लड़िया। तो पार्टी जदों भी कित किसी मोर्चे से भेजती है हस के असी कबूल करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और पार्टी की झोली जित पाने। अज भी जो पार्टी जिते कहेगी उत्थे चोन लड़ांगे और पार्टी की सरकार बनाने लिए जिमें दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े से विश्वास करके गुरु से असी पार्टी लई जिथे भी चाहेंगे उत्थे पार्टी लड़ाउंदी आ, और जिथे पार्टी कहती है उत्थे मैं लड़ना।
तो इस करके कोई सीट का सवाल नहीं है। की तुसी मानते हो भी तुहाडे आउण दे नाल हलका घनौर दे विच धड़ेबंदी बनी है? धड़ेबंदी तो है ही नहीं, ना धड़ेबंदी रहेगी, ना धड़ेबंदी। जिहड़ा पार्टी नूं नाल प्यार करदा उह तां पार्टी नाल ही करदा। सवाल जिहड़ा अकाली आ, जिहदे च अकाली पड़ा, ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਜੇਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ।